अस्सलामुअलैकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज आपसे मुझे बात करना है हुकूमत पंजाब का जो सेहत कार्ड है उसके हवाले से, हुकूमत का ओवरऑल। इट्स ए प्रोजेक्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट जो आहिस्ता आहिस्ता तमाम के तमाम जो सूबे हैं उनके बीच में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। देखिए KPK में, फिर उसके बाद में पंजाब में, फिर उसके बाद इसका जो दायरा कार है वो बढ़ाया जाएगा बलूचिस्तान में, AGK में, सिंध में, इसने GB में भी चले जाने। इसकी आप लोगों के लिए एक अहमियत है क्योंकि पंजाब के बीच में इसको कहा जा रहा है कि मार्च तक इसकी कवरेज मुकम्मल हो जाएगी और पंजाब की जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो तमाम की तमाम फैमिलीज़ जो हैं उन तक ये कार्ड पहुँच चुका होगा हेल्थ इंश्योरेंस का। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है अगर आप इस पे गौर करें तो। ये गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर से हेल्थ को मूव कर रही है टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर। ये चीज़ करंट अफेयर में, ऐसे में, पाकिस्तान अफेयर्स में पूछी जानी चाहिए, आ सकती है और पूछी जानी चाहिए क्योंकि ये वो चीज़ है जो पिछले कोई 70-75-80 साल के अंदर नहीं हुई। गवर्नमेंट का पहले जो फोकस रहा वो हेल्थ प्रोवाइडर का रहा कि गवर्नमेंट बजाते ख़ुद जो है वो हेल्थ प्रोवाइड करती रही, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या काम करती थी, उसमें लेयर्स मुख्तलिफ बनती थी बेसिक हेल्थ यूनिट की, फिर उसके बाद में रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, फिर उसके बाद में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, फिर जो टर्शरी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स जो हैं, टर्शरी केयर्स है, हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो उसके बीच में आ गई। तो ये जो क्यूरेटिव मेडिसिन है, क्यूरेटिव मेडिसिन हेल्थ पॉलिसी ओवरऑल दो तरह से होती है ना, आपको पता है। एक क्यूरेटिव साइड है जिसके बीच में इलाज मुआवजा किया जाता है, इस तरह के मामले किए जाते हैं, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी प्रिवेंटिव साइड है। तो क्यूरेटिव साइड के बीच में भी इट वाज द गवर्नमेंट दैट यूज्ड टू प्ले द पिवोटल रोल, गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। अब उसमें कई चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती थी, उसमें ह्यूमन रिसोर्स की भी प्रॉब्लम्स आती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की भी प्रॉब्लम आती थी, क्वालिटी ऑफ सर्विस की आती थी, करप्शन के इल्जाम लगा करते थे। तो गवर्नमेंट ने शिफ्ट लिया, अब गवर्नमेंट किस मॉडल को फॉलो कर रही है, वो मॉडल ये है कि तमाम लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस होगी और वो जिनकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके अपना इलाज जो है उनको फैसिलिटेशन जो है वो अवेलेबल होगी और वो इन मिलियंस जो हैं वो पैसे जो हैं उनके कार्ड के ज़रिए उस फैसिलिटी को वो अवेल कर सकेंगे। ये एक बड़ी चीज़ है ओवरऑल। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। देखें, पब्लिक सेक्टर में रहते हुए गवर्नमेंट कभी भी क्यूरेटिव साइड पर डिमांड को पूरा नहीं कर सकती, प्रॉब्लम्स उसमें रहेंगे। गवर्नमेंट को एज ए रेगुलेटर ही काम करना है, एज ए सर्विस प्रोवाइडर हर जगह काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, पूरी दुनिया इस बात पे कन्विंस्ड है। तो अभी हुकूमत के इस इकदाम से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये इकदाम क्यों किया गया, और ये वो चीज़ें हैं जिनका आपको इल्म होना चाहिए। अच्छा, फिर जो प्रिवेंटिव साइड है वो गवर्नमेंट ही के पास है अभी भी, और वो गवर्नमेंट ही के पास रहने रखने का प्लान है। प्रिवेंटिव साइड क्या है, ये जो वैक्सीनेशंस होती हैं, ये जो लोगों की न्यूट्रिशन पे काम किया जाता है, ये जो एजुकेशन पे काम किया जाता है हेल्थ के हवाले से, जो पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम किया जाता है, ये जो सैनिटेशन पे काम किया जाता है, ये जो साफ़ पानी पे काम किया जाता है, ये हेल्थ की प्रिवेंटिव साइड है। प्रिवेंटिव साइड से मुराद ये है कि बीमारी ना होने दें, बीमारी होने से पहले उसको रोका जाए। क्यूरेटिव साइड ये है कि बीमार हो गया बंदा, उसको ट्रीट कैसे करना है। तो क्यूरेटिव साइड के बीच में गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को इंजेक्ट कर रही है, जो प्रिवेंटिव साइड है अब इसके ऊपर गवर्नमेंट का अपना मुकम्मल जो है वो फोकस रहेगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको तैयार ज़रूर कीजिएगा, पेपर में इस दफ़ा पूछी जा सकती है। विश यू बेस्ट ऑफ लक।